शिव शंभु, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना जो भी व्यक्ति सच्चे मन से करता है उसे हर एक मनोकामना पूर्ण और जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है। तो चाहे वो हो कन्या, स्त्री, पुरुष, कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का पूजा स्मरण करते हैं तो उन्हें हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो अब आती है बात बेलपत्र की, क्योंकि भगवान शिव शंभू को हरी चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उन्हें प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जिन पे भगवान भोलेनाथ का निवास है। तो सबसे पहले बात आती है बेलपत्र की। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बेलपत्र जो है पहले चढ़ाए या जल चढ़ाने के बाद चढ़ाए या जल चढ़ाने के पहले चढ़ाए, तो उनका भी कारण दो है। आज हम आपको यही बताने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये बात है, आप हर एक शिव भक्त को ये बात जाननी बहुत ही आवश्यक है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सावन का महीना हो या शिव का कोई भी पूजा आराधना हो की बात आती है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो भगवान शिव शंभू पे चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी वो पूजा हमारा सफल माना जाता है। जिसमें आता है बेलपत्र, शमी पत्र, पुष्प, भांग, मदार का फूल और गुरवा, ये सब होते हैं हरी चीज़। और हरी चीज़ से भगवान शंभुनाथ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, प्रकृति से उनका लगाव होता है। तभी कहा जाता है कि सावन के इस पवित्र महीने में स्त्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की चूड़ियाँ, साड़ियाँ, मेहंदी आदि लगा कर रखना चाहिए। भोलेनाथ इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो बेलपत्र जब हम चढ़ाते हैं तो अगर आप मंदिर जाते हैं तो वो देखने का नज़रिया आपका दो होता है, क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं तो भक्त कई तरह के आते हैं। कुछ तो आते हैं अपनी मनोकामना को लेके और कुछ आते हैं अपने परेशानियों को लेके। तो जब हमारे ऊपर कोई बीमारी हो, बहुत ही भारी बीमारी हो और अगर उनसे छुटकारा पाना हो तो बेलपत्र हम जल चढ़ाने के पहले चढ़ाएंगे। अगर आपको कोई बीमारी दूर करनी है, आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा तभी आपको अच्छे से पता चलेगा कि हमें बेलपत्र पहले चढ़ाने के क्या फ़ायदे हैं और बाद में चढ़ाने के क्या फ़ायदे हैं। वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो अगर आपको कोई भी बीमारी से मुक्ति पानी है तो भगवान शिव शंभू पे कभी भी पूजा करें तो आप बेलपत्र को जल चढ़ाने के पहले चढ़ाएं। और अगर आपको, और दूसरा नज़रिया ये है, जब कोई भक्त अगर जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ाता है तो यानी कि उसको कोई बीमारी नहीं, वो अपनी इच्छा के अनुसार, वो अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, अपने हर्षोल्लास के लिए, अपने मन की शांति के लिए बेलपत्र जल चढ़ाने के बाद चढ़ाता है। तो जल चढ़ाने के पहले अगर आप अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए भक्त करता है और अगर जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ाता है तो अपनी खुशी, अपने मन की शांति के लिए बेलपत्र बाद में चढ़ाता है। बस यही एक कारण है कि बेलपत्र पहले और बाद में चढ़ाने में अंतर है। तो आप जब मंदिर जाएंगे तो आपको देखने के लिए नज़रिया दो तरीके से मिलेगा। अगर आप घर में कर रहे हैं तो आपको दो तरीके से नहीं मिलेगा। और आप जो है भगवान शिव शंकर पे हरी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ चढ़ाएं, उनको समर्पित करें। भगवान भोलेनाथ हमेशा आप पे प्रसन्न रहेंगे और हर एक बीमारी से, हर एक कष्ट से आपको दूर रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आपके साथ वीडियो शेयर किया करूँगी। और अगर आप यही चाहते हैं कि आपका जीवन भी सुखमय हो तो आप भी भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। बने रहे हमारे साथ, सास बहू दुनियादारी के साथ मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय शिव शंभू।